वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज मैं आपके साथ अलसी यानी कि फ्लेक्सीड्स के मुखवास की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अलसी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को तो ये बहुत ही फ़ायदा करती है। तो आज मैं आपके साथ इसका मुखवास यानी कि माउथ फ्रेशनर बनाने वाली हूँ। और इसमें मैंने और भी सामग्री ली है, जैसे कि सौंफ और सफ़ेद वाले तिल। तो ये फ्लेक्सीड्स आसानी से कोई भी आपको किराने की शॉप में मिल जाएगी। तो ये मैंने 200 ग्राम फ्लेक्सीड्स लिए हैं। इस तरह से इसको मैंने अच्छे से छान लिया है और साफ़ कर लिया है। तो जो मैंने फ्लेक्सीड्स के दाने लिए हैं, इससे आधा मैंने सौंफ लिया है। तो ये 200 ग्राम है, तो मैंने 100 ग्राम सौंफ ली है और 100 ग्राम मैंने सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। तो आप को जिस हिसाब से टेस्ट पसंद हो, इस हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और एक बड़ा नींबू लिया है। इसको मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया। आप छोटा नींबू हो तो 2 ले सकते हो। तो अभी हम सारी सामग्री एक बाउल में मिक्स कर देंगे। तो ये बाउल में मैंने अलसी ले ली है, ये सौंफ, और ये सौंफ हमें बड़ी वाली ही लेनी है। जो लखनवी सौंफ आती है वो नहीं लेनी है, क्योंकि ये मुखवास को हम भूनने वाले हैं। तो ये जो लखनवी सौंफ है वो भूनने से इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो ये मैंने नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है और अभी नींबू का रस भी हम डाल देंगे। एक बार पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बाद में हम नींबू का रस डाल देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी मैं इसमें नींबू का रस डाल देती हूँ इस तरह से, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसे 3 घंटे के लिए मिक्स करने के बाद छोड़ देंगे, जिससे नमक का टेस्ट, हल्दी पाउडर का कलर और नींबू का रस भी अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और बाद में हम इसे भूनेंगे। ये मुखवास टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है और आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हो, अगर आपको टेस्ट पसंद हो तो। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी मैं ढक्कन ढक के इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ही, घर में ही 3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो 3 घंटे के बाद ये इस तरह से आप देख सकते हो कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। और ये नींबू का रस हमने डाला है तो ये इस तरह से मॉइस्चर की वजह से गट्ठे हो जाएंगे। तो हम इसे इस तरह से हाथों से पहले अच्छे से खुला कर देंगे और अभी हम इसे भून लेंगे। तो ये मैंने एल्यूमिनियम की कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, इसमें हम अच्छे से भूनेंगे। तो ये मैं अच्छे से भून लेती हूँ। अभी ये गीला है इसलिए भूनने में थोड़ा वज़न भी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाएगा एकदम हल्का हो जाएगा और इसमें से बढ़िया खुशबू भी आएगी, क्योंकि हमने इसमें सौंफ डाली है। तो इस तरह से स्लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। तो ये कम मात्रा में है तो 15 मिनट में तो ये अच्छे से भून जाएगा और मुखवास रेडी हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये भूनता जाएगा हल्का होता जाएगा। तो स्लो फ्लेम पे मैं इसे कंटिन्यूस हिलाती रहूँगी। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो एकदम हम आसानी से इसे मिक्स कर सकते हैं और भून सकते हैं। तो ये अभी अच्छे से रेडी हो चुका है। अगर आप चाहो तो एक दाना चबा के देख सकते हो। तो ये हमारा फ्लेक्सीड्स यानी कि अलसी का मुखवास बनकर रेडी हो चुका है। ठंडा होने के बाद हम इसे एयरटाइट कंटेनर में भर देंगे और हम इसे एयरटाइट डब्बे में स्टोर कर सकते हैं, 2 से 3 महीने तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।